नमस्कार, मैं उषी गाचा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। 10 तारीख को जो हिंसा हुआ था, जुमे का दिन था, जुमे के नमाज के बाद एक समुदाय के लोगों ने आके जो पत्थरबाजी की, इसको लेकर आज फिर से जुम्मा है, आज फिर से फ्राइडे है और आज हम आपको दिखाएंगे कि आज प्रशासन, उस दिन प्रशासन की क्या भूल हुई क्या नहीं हुई, वो उस दिन की बात है। लेकिन अगर आज कुछ गलत होता है तो फिर प्रशासन पे एक बहुत बड़ा सवाल या निशान उठेगा और ऐसा दाग लगेगा जिसे धोना नामुमकिन हो जाएगा प्रशासन के लिए। ऑलरेडी हेमंत सरकार बहुत घिर चुकी है इस चीज को लेकर, लेकिन आज हम आपको बताएंगे आज जुम्मे को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जुम्मा अभी चल ही रहा है, यहाँ पर नमाज जो है अदा हो रहा है, लोग प्रशासन जो है वो पूरे मुस्तैदी के साथ तैनात है, हेलमेट पहनकर, जी अपने बचाव के लिए हेलमेट पहनकर, राइफल लेकर, हर तरीके से ये जो दंगा संभालने वाली जो टीम है ये पूरी तरीके से हेलमेट के साथ खड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ मीडिया कर्मी भी है, हर इंसान, हर लोगों का भीड़, आप आवाज़ सुन सकते हैं, नमाज अभी चल रहा है और अपने पूरे पुलिस के साथ, हर पूरे बल के साथ, जी हाँ, वो पूरी तरीके से तैनात है। और साथ ही जैसा हम विजुअल्स में देख सकते हैं, आवाज़ आप सुन सकते हैं कि अभी जो है वो नमाज चल रहा है। उस दिन की हम बात बताते हैं, यहीं पे सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था 10 तारीख का, ये जो हम आपको सीन दिखा रहे हैं हॉटस्पॉट था, यहीं पे नमाज हुआ था उस दिन। इसके बाद जो भी हंगामे हुए थे, प्रशासन पूरा मुस्तैदी के साथ यहाँ पे खड़ी है और इसके साथ ही जैसा आप देख सकते हैं बहुत शांति के साथ कुछ लोग भी खड़े हैं, कुछ मुसलमान भाई बहन भी खड़े हैं, बहुत शांति के साथ खड़े हैं। आप ये देख सकते हैं कि बहुत शांति के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, क्या पता वो हमसे बात करने के राजी होंगे कि नहीं, हम बात करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी नमाज चल रहा है इसलिए हम आपको, और सबसे अच्छी बात है ये जितने भी भाई है ये सब शांति समिति के सदस्य है, ये सब एक मुस्लिम समुदाय से है, शांति समिति के सदस्य है, हम इनसे बात करेंगे। आप लोग शांति समिति के सदस्य है, आज क्या संदेश लेकर यहाँ पे खड़े हैं आप? आज यही हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह का रोड में कोई भीड़ नहीं लगे और जो अगला 10 तारीख को हुआ वो किसी कारण दोबारा ना हो पाए। और हम समाज से यही अपील करते हैं कि जो अपने अपने क्षेत्र के मस्जिद है वहीं पे नमाज़ पढ़े, मस्जिद से भी हम लोगों ने ऐलान किया है। और रोड में भी यहाँ नमाज होती थी लेकिन इस बार नहीं होगी, इसी का अपील करते हैं हम लोग। एक बात बताइए, पिछले बार जो हुआ क्या आज भरोसा है आज इस बार नहीं होगा? आज किसी कीमत पे नहीं होगा, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। यानी आप खुद खड़े हैं? जी जी, नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। आप क्या संदेश सोसाइटी को क्या संदेश देना चाहते हैं? सोसाइटी को यही संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मिल के रहना चाहिए क्योंकि ये हमारा देश है, इसको हम ही को चलाना है, हम प्रशासन हमारे साथ है और हम प्रशासन का साथ दे रहे। इस बार किसी कीमत पे किसी हाल पे दोबारा वो 10 तारीख वाला घटना नहीं हो पाएगा। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिली है कि आप लोगों का जो कम्युनिटी है थोड़ा, जो गोलीबारी उस दिन हुई थी, जो मौत हुई थी, उसको लेकर गुस्से में है, आप लोग आक्रोशित है, इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये गुस्से में तो उसके घर वाले लोग हैं लेकिन ये अफवाह था कि इस जुमा भी निकलेगा, ये अफवाह था। ये सर लोग से भी बात हुआ है लेकिन ये सब झूठ है। ठीक है, फ्राइडे को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो भरोसा है थोड़ा डगमगाया है, आपको लगता है ये शांति समिति कितना अहम रोल प्ले करेगा एक बार फिर से फ्राइडे में, जो पहले जैसा होता था फ्राइडे को आवाज आई वो शांति को फिर से बनाए रखने में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस जुमा भी आपको देखने को मिलेगा, अगले जुमे से तो पूरा शांति हो जाएगा, इसके लिए हम लोग खुद मिल के इसके लिए बात किए। आपने देखा कि शांति समिति ने साफ तौर पर कहा कि फ्राइडे को लेकर, पहले फ्राइडे में क्या होता था कि लोग आसानी से आवाजाही करते थे बिना किसी सवाल का, लेकिन इस बार खुद मुसलमान भाइयों ने एक शांति संगठन बनाया है और कहा है कि पहले जैसे फ्राइडे में लोग निश्चिंत रहते थे, हम फिर से उस ट्रस्ट को कायम करेंगे और लोग वैसे ही शांति से फ्राइडे का जुमा करेंगे और हिंदू के मन में भी विश्वास जगाएंगे। ये बहुत अच्छी पहल देखने को मिली कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है वो खुद संगठन बनाकर शांति की अपील करें और गारंटी ले रहे, बहुत बड़ी बात है, गारंटी ले रहे कि आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं हमने आपको सारे फुटेज दिखाए कि पुलिस मुस्तैद थी, 5000 जवान को तैनात किया गया था, सिटी एसपी, दरोगा, सब कुछ बिल्कुल मुस्तैद थे क्योंकि इस बार अगर कुछ होता तो प्रशासन को बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ता। आपको बता दें उस दिन जो 10 तारीख को हिंसा हुआ था उसका रिपोर्ट कल आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है उसका रिपोर्ट, बहुत सारी चीज़ का खुलासा होने वाला है जो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी का आज एक डर का माहौल था, एक भय था कम्युनिटी के अंदर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पुलिस अपने तरह मुस्तैद तो थी लेकिन फिर भी लोगों के मन में सवाल था कि कहीं 10 तारीख वाला आज घटना जो है आज फिर ना दोहराया जाए।
लेकिन देखकर बहुत अच्छा लगा, आपको भी देखकर बहुत अच्छा लगा होगा कि बहुत शांति से, बहुत शांति से, बहुत सुकून के साथ और बहुत श्रद्धा के साथ सारे लोग नमाज पढ़ पढ़ के अपने अपने घरों की तरफ निकले और सबने शांति की अपील की है। सारे मुसलमान भाइयों ने शांति की अपील की है, अमन चैन की बात की है और खुद कहा है कि शांति बहुत ज़रूरी है, तभी ये सोसाइटी, समाज का जो है वो विकास हो पाएगा। हम सभी का, एक एक इंसान का विकास तभी संभव है जब शांति बनाए रखे। इस तरह की अपील सारे जो देखने को आज मिला है, ये अपने आप एक मिसाल है, क्योंकि चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो, सबको मिलजुल कर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी एक को भी अगर चोट लगती है तो उसका प्रभाव सिर्फ हिंदू या फिर मुस्लिम को नहीं, बाकी पूरे के पूरे छोटे से बड़े हर समाज को, के तबके को प्रभावित करता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हम चाहते हैं, जीएन भारत भी यही अपील करता है कि ऐसी ही शांति हमेशा बनाए रखे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।